अधर्म का विध्वंस करने। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, प्रभास के मेन लीड में बनने वाली आदिपुरुष जिसमें रामायण जैसे प्योर सब्जेक्ट का इस्तेमाल भी भरपूर तरीके से करा गया है, निकल अपने 12 दिन कंप्लीट करके आज 13वें दिन में एंट्री मान लिया और लगातार निगेटिव कमेंट्स और निगेटिव रिव्यू से क्रिटिसाइज होकर आदिपुरुष फ्लॉप होते नजर आ रही है, वो भी दिन पर दिन। और बॉक्स ऑफिस में कमाई के मामले में आंकड़ा रोज स्लो डाउन होते नजर आ रहा है। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, मूवी अपना बजट 650 करोड़ कवर कर पाएगी या नहीं, पहले दिन कितना कमाया, मूवी हिट है या फ्लॉप, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिलने हैं, सब जानेंगे उस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी आदिपुरुष से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं और प्रभास के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आदिपुरुष जैसे इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी आज तक कोई बनी ही नहीं है, इसे लोग हमेशा याद रखेंगे बायकॉट। देखो मूवी तो फ्लॉप है एवरीवन नोज, लेकिन ये साला जबरदस्ती मूवी हिट होते शो कर रहे हैं दोस्तों। ये लोग ऐसे कंटेंट को रामायण के साथ कंपेयर कर रहे हैं जिसे जनता एज रामायण एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है दोस्तों। पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के मेन लीड में बनने वाली आदिपुरुष जिसको ओम राउत ने डायरेक्शन दिया है और लगभग 650 करोड़ के टोटल खर्चे पर बनने वाली इस फिल्म ने अपना फर्स्ट वीक जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया था और आज 13वें दिन में एंट्री मान ली है दोस्तों। अपने पहले 3 दिन तक बहुत मोटी कमाई करी थी मूवी ने, पर अपने पहले दिन से ही निगेटिव रिव्यू निगेटिव रिएक्शन के साथ मूवी हर दिन स्लो डाउन आंकड़ा शो करते नजर आई है दोस्तों। मूवी का कंटेंट रामायण से प्रेरित होकर कुछ एक चेंजेस करके सजाया गया है जो कि जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि रामायण के साथ लोगों की सच्ची श्रद्धा जुड़ी होती है। प्रभु श्री राम का नाम सच्चाई व अच्छाई का प्रतीक शो करते हैं और उनके नाम पर उनकी जीवनी के साथ छेड़छाड़ करना ये जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, बात अगर कास्ट की करें तो प्रभास एज राघव, श्री राम, कृति सनन एज जानकी, सनी सिंह एज लक्ष्मण, देवदत्त नागे एज हनुमान और मेन विलेन लंकेश के रूप में आपको सैफ अली खान को देखने को मिलेंगे। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों ओपनिंग सॉलिड तरीके से करते हुए मूवी ने पहले दिन ऑल ओवर वर्ल्ड से लगभग 140 करोड़ से ऊपर का जबरदस्त आंकड़ा सेट कर दिया था। इसी के साथ पहले 3 दिन में लगभग 340 करोड़ का बिग कलेक्शन करते हुए सभी के होश उड़ा दिए थे, लेकिन अपने चौथे, पांचवें, छठे और सातवें दिन तक पहला हफ्ता कंप्लीट करते हुए कमाई का आंकड़ा लगातार गिरता गया और अपने पहले हफ्ते तक कमाई लगभग 420 करोड़ तक करते नजर आई थी। इसी के साथ अपने 8वें दिन भी आंकड़ा स्लो डाउन ही देखने को मिला और अपने दूसरे हफ्ते की शुरुआत में भी निराशा ही हाथ लगी मेकर्स को और 8वें दिन में मात्र 7.5 करोड़ की कमाई, 9वें दिन में 3.90 करोड़ की कमाई, 10वें दिन में भी लगभग 4.60 करोड़ के आसपास आंकड़ा जाता दिखा और पहले 10 दिन तक टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 448 करोड़ के आसपास हो चुका था। इसी के साथ लगातार निगेटिव रिव्यू के साथ 11वें दिन 4 करोड़ के आसपास ही आंकड़ा देखने को मिला और कल यानी अपने 12वें दिन में लगभग 4 करोड़ तक का ही आंकड़ा जाता दिखा, सेम एज 11th डे। बात करें आज यानी 13वें दिन की कैसी ग्रोथ है दोस्तों, आज भी कोई अच्छी कमाई करती नजर नहीं आ रही है फिल्म और एंड ऑफ द डे तक लगभग 3.5 करोड़ के आसपास ही आंकड़ा जाता दिखेगा। हो सकता है 3.5 करोड़ से भी नीचे रहे, 3 करोड़ में ही अटक कर रह जाए और एंड ऑफ द डे पूरी दुनिया से टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 460 से 462 करोड़ के आसपास हो चुका होगा। मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, मूवी बिल्कुल फ्लॉप है या अभी भी हिट हो सकती है, आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। दूसरा, अगर आप लोगों ने भी मूवी देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।